तुम लोगों के पास कुछ मजेदार किस्से हैं। वाह वाह, यह क्या है? रुको, उसे मत छुओ, कोई खतरा मत उठाओ। यह देखो, ये किसी प्रकार की तिजोरी है। यहाँ अंदर कुछ तो स्वादिष्ट जरूर होना चाहिए, या फिर कुछ बहुत महंगा। अगर वह पैसा हो तो और भी अच्छा होगा। यह मेरा है, तिजोरी मेरा होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि अंदर क्या है। तुम्हारे वजह से हम गिर गए हैं। देखो, तिजोरी खुल गई है और मुझे अपने अंदर खींच रही है। वो हमें भी अपने अंदर खींच लेगा। अरे मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो। हम कहाँ हैं? लगता है कोई चुनौती का समय है। ठीक है, मैं पहले अपनी तिजोरी खोलूंगा। मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा क्या इंतजार कर रहा है। दरवाजे पर ये पूप का निशान मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। अरे नहीं, ब्रोकली नहीं, मैं तो जब बच्चा था तभी इससे नफरत करता हूँ। ये एकदम बेकार होते हैं। पर नियम के अनुसार तुम्हें सब कुछ खाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं एक बहादुर बच्चा हूँ, इसलिए ब्रोकली का एक दो टुकड़ा खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। ये बहुत ही खराब है। कितना घिनौना, इसे खाना मेरे वश की बात नहीं है। अब मैं इसे छूऊंगा भी नहीं। नहीं, पर नियम के अनुसार तुम्हें वो सब खाना होगा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं खा सकता। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं खा पाओगे? खैर कोई बात नहीं, बेला और हम तुम्हें खिलाएंगे। हाँ, ये कोई समस्या नहीं है। तुमने बस मेरा मजाक बनाने का फैसला कर लिया है। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आने के लिए पूछ रहा है। तुम कितने गंदे हो। यह तुम्हारी अपनी गलती है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। मुझे तुरंत कुछ परफ्यूम का छिड़काव करना होगा। अब ये बदबू हर जगह फैल रहा है। यह पंखा हमें बचाएगा। माफ करना लिली, अब तुम्हारी बारी है तिजोरी को खोलने की। बिल्कुल मेरी बारी। अरे वाह, मैं किसी चीज की उम्मीद तो कर रही थी, पर निश्चित रूप से इतनी बड़ी और सुंदर हैट की नहीं। यह अद्भुत है। पता नहीं मुझे यह सही से आएगी भी या नहीं, मुझे पहनकर देखना होगा। यह क्या हुआ, लिली कहाँ गई? वो यहाँ नहीं है। लेकिन वो बस यही थी। मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है, मैं समझ गई हूँ कि यह एक अदृश्य टोपी है। क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? मुझे पहनकर देखने दो। सच में अदृश्य हो गया। अब जैक को कहाँ खोजे? वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी टोपी ली और मुझे भी डरा दिया, चोर कहीं का। मुझे मेरी हैट वापस करो। ले लो, मुझे खेद नहीं है। बेला, अब तुम्हें तुम्हारी तिजोरी खोलनी है। आखिरकार मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। आशा करती हूँ कि इसके अंदर कुछ स्वादिष्ट मेरा इंतजार कर रहा होगा। बिल्कुल, ये डोरिटोस चिप्स है। हालांकि एक समस्या है, मैंने काफी दिनों से कोई खेल कूद या कसरत नहीं किया है, इसलिए मेरे पास इस पैक को खोलने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा दोस्त जैक है और मैं कोई भी पैक आसानी से खोल सकता हूँ। तुमने इसे पूरे टेबल पर फैला दिया है। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तुम अपने फेवरेट दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तुम बुरा नहीं मानोगी, है ना बेला? क्या तुम मेरे खाना को लेने की हिम्मत नहीं कर सकते हो? मैं इसे किसी को नहीं दूंगी, समझे तुम? असल में बहुत दर्द हुआ। ये चिप्स बहुत तीखे हैं। बिल्कुल, पर मेरे पास एक आइडिया है कि अपने लिए चिप्स कैसे ले सकती हूँ। मेरी यह नई हैट इसमें मेरी मदद करेगी। बेला, क्या तुम देख रही हो? चिप्स हवा में उड़ रहे हैं। हाँ, शायद हमारे ऊपर उन्होंने कुछ उड़ेल दिया है और अब हम उड़ते हुए चिप्स देख सकते हैं। मुझे लगता है, मुझे पता है कि क्या है। यह सिर्फ लिली अपने अदृश्य हैट में है जो तुमसे तुम्हारी चिप्स चुरा रही है। मैं शायद यह सच है, पर तुम फिर भी मुझे पकड़ नहीं सकते। और अब उसको कहाँ खोजे? बिल्कुल उधर, जिधर चिप्स जा रहे हैं। तुम हमसे बच नहीं सकती। भागो भागो, और मैं तुम्हारे सारे चिप्स खाती हूँ। और वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। बस अब हो गया, तुम्हारा काम समाप्त। मुझे फिर से भागना होगा। बाय। हम उसे फिर नहीं पकड़ पाए। उसने केवल एक चिप छोड़ी है जो मैं खाऊंगा। तुम सब चोर हो।
मेरी तिजोरी का दरवाजा मुझ पर मुस्कुरा रहा है, इसलिए मैं इसे पहले खोलना चाहती हूँ। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे वाह, इधर देखो, यहाँ कितने सारे स्ट्रॉबेरीज हैं। मुझे पता नहीं कि सर्दियों के मौसम में भी कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस अपने फेवरेट बेरीज खाना चाहती हूँ। जब स्ट्रॉबेरी तुम्हारी आँखों में लग रही है तो बहुत मजेदार लग रहा है। हंसो हंसो, मुझे पता है कि तुम बस मुझसे जल रहे हो। मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉबेरी हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और ये बेरी केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि बहुत व्यवहारिक भी है, जैसे कि इन्हें लिपस्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं तुम्हें यह जानकारी है कि नहीं कि स्ट्रॉबेरी का कुछ और उपयोग भी होता है। अरे चलो यार, मैं मजाक कर रही थी। बेशक मुझे पता है कि स्ट्रॉबेरी खाया जाता है क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और ये अंतिम का बचा हुआ पिछला हिस्सा उन पर गोली चलाने के लिए जो आप पर हंस रहे थे। बहुत अजीब बात है, मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है। जैक, अब तुम अपनी तिजोरी खोल सकते हो। आशा करता हूँ कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो। हालांकि इसके ऊपर ये पूप का निशान बना हुआ है, ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बुरा संकेत है। ये तीखी मिर्च है, मैं जलना नहीं चाहता। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है जैक। तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे बिना तो ये समझ ही नहीं पाता। जरा इन मिर्च को देखो, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बाद में तुम्हारे मुंह में आग लगा दें। वास्तव में ये अशुभ लग रहे हैं, वे शैतानों की सींग की तरह दिख रहे हैं। क्या उसे सच में ये लगता है कि डरावना है? ये बहुत ही मजाकिया लगता है। बिल्कुल। खैर, मैं उम्मीद कर रही थी कि मैं तुम्हें डरा सकती हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जैक को मिर्च खाते हुए देखने में मजा आएगा। ठीक है, मुझे भी उन्हें खाने की जरूरत है, पर मुझे वो क्यों खाना चाहिए? मैं ये खाना नहीं चाहता। तुम यहाँ कुछ नहीं चुन सकते, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, या फिर हम तुम्हें खिला देंगे। मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। मुझे करना है, करना है, करना है। वाह, उसने सचमुच सब खा लिया। वो तो कमाल का लड़का है। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर आग लग गई है। मुझे तुरंत मदद की जरूरत है। सभी छेदों को बंद कर दो वरना आग फैल जाएगी। इसे रोक पाना लगभग असंभव है। ऐसा लग रहा है कि आग फैलने वाली है। यह अच्छी बात है कि मैं यहाँ हूँ। लीली फायरमैन हमेशा आग से बचाने के लिए तैयार है। मेरे पास फायर ट्रक भी है। अब बस इस नली को ठीक से रखने की जरूरत है ताकि यह आग से टकराए। और वह है जैक का मूव। पानी तैयार है, फिर शुरू हो जा। तैयार। यह क्या था? अब मैं पूरी तरह से पानी से भीग गया हूँ। पर यह ठीक है, पानी आग से तो बेहतर ही है। लीली, अब बस तुम्हारी तिजोरी ही खुलने से बची हुई है। मुझे पता है और मुझे यकीन है कि अंदर कुछ बहुत अच्छा मेरा इंतजार कर रहा है। क्या बस इतना ही? मुझे केवल एक किटकैट मिला है, सिर्फ एक चॉकलेट बार। अरे नहीं, शायद मैं गलत थी। ये चॉकलेट का एक पूरा रिबन है और ये इतना है कि मेरे जीवन भर के लिए पर्याप्त है। लेकिन मैं वैसे भी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, ये सब मेरी है और सिर्फ मेरी। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होगा, ये लो। तुम्हारे साथ सही हुआ। ये किटकैट मेरी है, मैं इसे तुम्हारे आंखों के सामने खाऊंगी ताकि तुम्हें जलन हो। कितना स्वादिष्ट। यह अच्छा हुआ कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, सभी चॉकलेट मेरी है। वाह लिली, तुम चॉकलेट से पूरी तरह से ढकी हुई हो और ये स्वादिष्ट की जगह गंदा लग रहा है। चलो गिनती से तय करते हैं कि पहले तिजोरी कौन खोलेगा, और वह कौन है? बेशक मैं। कितना बढ़िया काउंटिंग राइम था। दरवाजे पर मस्त स्माइली फेस है, इसका मतलब कि अंदर भी कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, पोक से अच्छा और क्या हो सकता है, कुछ नहीं। हाँ, अब हम तुम्हें जैक अनारी कहकर पुकारेंगे। यह कोई मजाक वाली बात नहीं है, यह गलती से मेरे हाथों से गिर गया। उफ, मैं तुमसे बात भी क्यों कर रहा हूँ, इसके बजाय मैं कोक पीता हूँ। अपने आप को बचाओ, हम पर कोला का आक्रमण हुआ है।
ऐसा लग रहा है कि कोला ने सिर्फ तुम पर आक्रमण किया है, क्योंकि तुम्हारे पास पीने के लिए बहुत कम बचा है। तो क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोला कितना है, जरूरी बात यह है कि ये स्वादिष्ट है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे और कोला चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि लीली को कुछ गंदा सामान मिलेगा। तुम मेरे लिए क्यों कर रहे हो? मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ सामान्य होगा। नहीं, या नहीं, मुझे नींबू नहीं चाहिए। जरा इसे देखो, ये तो देखने में भी खट्टा लग रहा है। ओह, और ये सच में बहुत खट्टा है। ओह, ये बहुत डरावना लग रहा है। हम नींबू से लोगों को प्रताड़ना दे सकते हैं, लेकिन मुझे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है जो मुझे इस खट्टे चीज से बचाएगा। जब जल्दी से नींबू का रस पी सकते हैं, तो फिर इसे खाने का कष्ट क्यों उठाएं? और इसके अलावा आमतौर पर जूस मीठा होता है, तो शायद यह भी ऐसा ही हो। मुझे तो यह संदेह है कि तुम यह कर पाओगी। मैं तुमसे सहमत हूँ, यह अजीब दिख रहा है। मैं ये साबित करके रहूंगी कि नींबू का रस नींबू से ज्यादा अच्छा होता है, ये सभी जानते हैं। ये देखो, मुझे जूस का पूरा ग्लास मिला है। अब इसे पीने का समय है। शायद ये बहुत खट्टा हो। आह, अब हम सब पूरे नींबू के रस में है। उप्स, ये गलती से हो गया। बेला, अब तुम्हारी बारी है तिजोरी खोलने की। ओह हाँ, तिजोरी, बिल्कुल। इसके अंदर कुछ जादुई है। देखो, यह बादल है। आशा है कि बारिश नहीं होगी। बादल बारिश वाला नहीं दिख रहा है, ये सफेद और बहुत प्यारा है। वाह, ये कैंडी बादल है। ये मुझे कैंडी देगा। वैसे ये स्किटल्स है और ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, तुम किस्मत वाली हो, कैंडी बादल बहुत दुर्लभ होते हैं, कैंडी शावर की तरह। वाह, कैंडी की बारिश शुरू हो गई। अब मेरे पास बहुत सारे कैंडी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है और ये पूरा टेबल पर भी बिखरा हुआ है, तो हम भी इसे खा सकते हैं। नहीं, ये मेरे हैं। ये मेरा बादल और मेरी कैंडी है, समझे तुम लोग? ठीक है, अगर तुम हमें ये कैंडी नहीं देना चाहती हो, तो तुम्हें ये बादल हमें देना होगा। Here we go. मुझे भी कुछ कैंडी दो। चलो दो। ओ, ओ। तो तुम्हें कैंडी कैसी लगी? स्वादिष्ट, मीठा। मल्टी डूपर हमेशा ही ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प चुनौती होती है। इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी को भी मिस ना करें।